विवेक ओबरॉय के नाम से प्रसिद्ध विवेकानंद ओबरॉय का जन्म 3 सितंबर 1976 को वर्तमान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता सुरेश ओबरॉय एक इंडियन पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक फेमस बॉलीवुड एक्टर भी रह चुके थे, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा मॉडलिंग और रेडियो शोज में भी काम किया है। वैसे तो इनके पिता एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी माँ यशोधरा ओबरॉय एक तमिल फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिसकी वजह से विवेक को कई लैंग्वेजेस भी बोलनी आती हैं। विवेक ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन राजस्थान के अजमेर में स्थित एक बॉयज ओनली इंडिपेंडेंट बोर्डिंग स्कूल मायो कॉलेज से पूरी करी। वहां से अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद विवेक ने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन ले लिया और यहां से बैचलर्स इन फिल्म एक्टिंग करने के बाद वो लंदन चले गए, जहां उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से हुई, जो फिर विवेक को न्यूयॉर्क ले गए और न्यूयॉर्क से ही विवेक ओबरॉय ने फिल्म एक्टिंग की फील्ड में अपनी मास्टर्स की डिग्री भी हासिल करी। लेकिन इंडिया वापस आने के बाद विवेक ने एक्टिंग जॉब से पहले एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम किया और फिर करीब 26 साल की उम्र में साल 2002 में विवेक ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से करी। इस फिल्म में विवेक ओबरॉय के अलावा अजय देवगन और मनीषा कोइराला जैसे स्टार्स भी शामिल थे और इस फिल्म में विवेक के द्वारा किए गए प्रदर्शन की वजह से उन्हें बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। और इसके बाद विवेक ने राम गोपाल वर्मा की ही फिल्म रोड में भी काम किया, जिसमें लीड एक्टर के रूप में मनोज वाजपेयी काम कर रहे थे। लेकिन इन फिल्मों के अलावा विवेक ओबरॉय को जिस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा सफलता दिलाई, उस फिल्म का नाम था साथिया। यशराज फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई इस मूवी में रानी मुखर्जी और विवेक ओबरॉय लीड रोल में थे और 7.5 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए की कमाई करी। इसके अलावा इस मूवी में विवेक द्वारा की गई एक्टिंग की वजह से उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद 2004 में उन्होंने मस्ती जैसी कॉमेडी थ्रिलर और युवा जैसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्मों में काम किया। उसके बाद साल 2005 में किसना द वॉरियर पोएट, 2006 में ओमकारा और 2007 में शूट आउट एंड लोखंडवाला में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन ने उन्हें जनता की नजरों में पहचान दिलाई। लेकिन उन्हें उसके बाद कुछ फेलियर का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि साल 2010 में कुकी गुलाटी के डायरेक्शन में बनी फिल्म प्रिंस के लिए जनता ने उन्हें वो प्यार नहीं दिया जो एक्सपेक्टेड था। प्रिंस के अलावा अक्टूबर 2012 में रिलीज हुई विवेक ओबरॉय की फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली ने भी उन्हें निराशा ही दी। उसके बाद साल 2014 में विवेक ओबरॉय ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के कैरेक्टर इलेक्ट्रो के लिए हिंदी वॉइस डब करने का काम किया। उसके बाद उन्होंने यशराज फिल्म्स के द्वारा बनाई गई फिल्म बैंक चोर में रितेश देशमुख और रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर भी काम किया। लेकिन इस वक्त तक कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से विवेक को बॉलीवुड में पर्याप्त चांसेस नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से उन्होंने पृथ्वीराज सकुमारन द्वारा डायरेक्टेड फिल्म लूसिफर में काम करा, जो कि एक मलयालम फिल्म थी, और इसी तरह उन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी अपना रुख करा। इसी के साथ साथ साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन के आसपास उनकी एक बायोग्राफी ड्रामा मूवी भी रिलीज हुई, जिसका टाइटल था पीएम नरेंद्र मोदी, जो मूवी वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित थी। इसकी वजह से उनके फिल्मी करियर को थोड़ी लाइमलाइट तो जरूर मिली, क्योंकि वो फिल्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर आधारित थी, लेकिन इससे भी उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जो उन्हें चाहिए थी। वहीं अगर हम बात करें विवेक ओबरॉय की आने वाली फिल्मों के बारे में, तो शाहजी कैलाश के द्वारा बनाई जा रही मलयालम फिल्म कड़ुआ में भी वो आपको एक DIG के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा विवेक ओबरॉय ने OTT शोज और वेब सीरीज की तरफ भी अपना रुख करा है, जहां उन्हें ठीक ठाक सफलता भी हासिल हुई है। दोस्तों, फिल्मी करियर के अलावा अगर हम बात करें विवेक ओबरॉय के विवादित मामलों के बारे में, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में रहे, और ऐसे ही कुछ मामले विवेक ओबरॉय के बॉलीवुड करियर के डाउनफॉल का भी कारण बने, तो विवेक ओबरॉय और सलमान खान की कंट्रोवर्सी सबसे पहले दिमाग में आती है। तो ये बात है उस वक्त की, जब विवेक ओबरॉय क्यों हो गया ना नाम की एक फिल्म में काम कर रहे थे, जिसकी को स्टार ऐश्वर्या राय के साथ वो एक रिलेशनशिप में भी आ गए थे। वैसे तो ऐश्वर्या ने कभी भी खुलकर अपने और विवेक के रिश्ते के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन कई पार्टीज और इवेंट्स में विवेक और ऐश्वर्या को साथ स्पॉट किया जाता था, और इसमें मुद्दे की बात यह थी कि विवेक से तुरंत पहले ऐश्वर्या राय सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी। अब ये बहुत स्वाभाविक सी बात थी कि सलमान खान को ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय के बीच की नजदीकियां पसंद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो विवेक ओबरॉय के लिए एक मुश्किल समय खड़ा कर रहे थे। इस बारे में जिक्र करते हुए विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने पूरी दुनिया को ये जानकारी दी कि सलमान खान ने रात को उन्हें 41 बार कॉल किया और उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद कुछ समय तक तो चीजें ठीक चली, लेकिन उसके बाद उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। और विवेक खुद भी इस बात को मानते हैं कि सलमान खान के खिलाफ किया गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने उनके फिल्मी करियर को काफी इफेक्ट किया। खैर, इन रिलेशनशिप से बाहर निकलकर 29 अक्टूबर 2010 को विवेक ने एक इंडियन पॉलिटिशियन जीवाराज आलवा की डॉटर प्रियंका आलवा से शादी करी, जिनके साथ उनके दो बच्चे भी हैं। खैर दोस्तों, अब देखना यह है कि विवेक ओबरॉय जैसे टैलेंट का फ्यूचर कैसा होने वाला है।
भले ही विवेक ओबरॉय के करियर में चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन आए हों, लेकिन एक बात तो पक्की है कि विवेक ओबरॉय के अंदर एक्टिंग टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों यही थी कहानी बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।